हाय एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो, जहां पर आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर कितने टाइप्स की होती है और इसके क्या यूजेस हैं। हमेशा की तरह मैं आपको कम टाइम में एक हाई पावर नॉलेज देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम दिवाकर बिश्नोई एंड आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हमें 28 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, हैविंग एग्जीक्यूटेड 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स फॉर 100 प्लस क्लाइंट्स इन 17 प्लस स्टेट्स एंड वी आर इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह इलेक्ट्रिकल की हाई पावर नॉलेज वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इलेक्ट्रिकल मोटर को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स एंड स्पेशल मोटर्स। तो इन बारी बारी इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसी मोटर्स के बारे में। एसी मोटर्स को अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर एंड एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर जिसको हम इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज होती है। अब आप मेरे को बोलेंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए तो हम कैपेसिटर बैंक या कैपेसिटर यूज करते हैं, तो इसमें सिंक्रोनस मोटर का क्या रोल आ गया? पावर फैक्टर और पावर बैंक जो हम लोग पावर फैक्टर के लिए पावर बैंक या कैपेसिटर जो यूज करते हैं, वो वहां पर कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। बट जहां पर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बहुत हैवी मोटर का यूजेज है, जैसे कि पावर प्लांट्स में, वहां पर सिंक्रोनस मोटर का यूज करा जाता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट और करेक्शन के लिए। दूसरा सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन है जहां पर मेरे को कांस्टेंट स्पीड चाहिए या फिर स्पीड में वेरिएशन नहीं चाहिए। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पेपर प्रिंटिंग मशीन। पेपर प्रिंटिंग मशीन में मेरे को कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है विदाउट वेरिएशन। तो सिंक्रोनस मोटर के ये दो एप्लीकेशन है और सिंक्रोनस मोटर का यही पर्पस होता है। दूसरे पे आते हैं एसिंक्रोनस मोटर्स। एसिंक्रोनस मोटर्स जिनको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल में एसी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोटर है, सबसे ज्यादा वाइल्डली नोन मोटर है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एज पर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर रोटर, स्क्वेरल केज मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्वेरल केज मोटर का काम सिंपल है। स्क्वेरल केज मोटर का यूजुअली एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में होता है, क्योंकि वहां पर मेरे को सेल्फ स्टार्टिंग मोटर चाहिए होती है जिसकी लो मेंटेनेंस है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हम ये मोटर यूज कर लेते हैं। अगला है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के ऊपर एक स्लिप रिंग होती है, इसका काम वहां पर ही होता है जहां पर मेरे को हाई टॉर्क एप्लीकेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक क्रेन को जब वो एक हैवी लोड उठाने जाती है, तो वहां पर मेरे को एक हाई टॉर्क मोटर चाहिए होती है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्रेन्स के पर्पस में सबसे ज्यादा यूज होती है, जहां पर मेरे को हाई टॉर्क चाहिए एकदम भारी वजन उठाने के लिए। अगला आते हैं डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स को चार टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, डीसी शंट, डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड और डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर्स। तो डीसी शंट मोटर की जब हम बात करते हैं, तो डीसी शंट मोटर 80% ऑफ द डीसी मोटर्स जो यूज हो रही है वो डीसी शंट मोटर्स है। तो डीसी शंट मोटर्स कौन सी है, जो मेरे पंखों में या फिर हर जगह जो मोटर रेगुलरली मैं देख रहा हूँ डीसी मोटर यूज हो रही है, लेथ मशीन में जो यूज हो रही है, ये सारी डीसी शंट मोटर्स हैं। डीसी सीरीज मोटर्स, डीसी सीरीज मोटर्स वो हैं जो मेरे मॉल्स में मुझे ऊपर नीचे ले जाने के लिए जो एस्केलेटर्स यूज होते हैं, जिनमें एक परमानेंट वेट हर वक्त जुड़ा रहता है, और वहां पर जो एक मोटर यूज हम कर रहे हैं वो डीसी सीरीज मोटर है। तो डीसी सीरीज मोटर्स का यूज भी यही है, इसके लिए कंडीशन क्या है, परमानेंट वेट जुड़ा हुआ हो। थर्ड टाइप ऑफ डीसी मोटर है डीसी कंपाउंड। तो डीसी कंपाउंड मोटर का एज सच कोई यूज नहीं है और कहीं भी मोस्टली यूज नहीं होती है। उसके बाद आते हैं डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर्स पे। तो डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर्स जो मेरे बच्चों के टॉयज होते हैं, जो बच्चों के टॉयज में जो मोटर यूज हो रही है वो डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है, या फिर जो मेरे कंप्यूटर के फैंस पे SMPS के ऊपर जो पंखा घूम रहा है, CPU को कूल करने के लिए जो पंखा घूम रहा है, उन सब में डीसी परमानेंट मैग्नेट यूज होती है। तो डीसी मोटर इन यही चार टाइप की होती है। अगला आते हैं स्पेशल मोटर्स पे। तो जब हम स्पेशल मोटर्स की बात करते हैं, तो स्पेशल मोटर्स में सबसे पहला टाइप है यूनिवर्सल मोटर्स का। तो यूनिवर्सल मोटर्स वो हैं जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चल जाती हैं, उन्हें यूनिवर्सल मोटर्स कहते हैं। तो स्पेशल मोटर में सेकंड टाइप की अगर बात करूं, सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मोटर है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर की क्वालिटी क्या है कि वो फिक्स्ड रोटेशन के लिए बनी है, वो सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठाने रखने के लिए बनी है। तो ऐसे यूज केसेस में स्टेपर मोटर यूज होती है। थर्ड टाइप ऑफ यूनिवर्सल मोटर है सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर्स के अंदर एक सर्वो VFD लगी होती है। तो सर्वो मोटर्स में रोटेशन फिक्स्ड रहती है, स्पीड फिक्स्ड रहती है, दोनों चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, और यूजुअली ये मॉडर्न डे रोबोटिक्स में अपना यूज फाइंड करती है, जहां पर रोटेशन और स्पीड दोनों फिक्स चाहिए मेरे को। चौथा जो कि सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक मोटर होने वाली है, वो है BLDC मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर। हम सब जानते हैं कि डीसी मोटर्स एसी मोटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, पर डीसी मोटर्स में हमको प्रॉब्लम जो आता था वो आता था हाई मेंटेनेंस का।
हाई मेंटेनेंस में, क्योंकि उनके ब्रशेस बार बार खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रशेस कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट मांगते थे, जिसके सोल्यूशन के लिए ब्रशलेस डीसी मोटर्स बनाई गई, बीएलडीसी मोटर्स। बीएलडीसी मोटर्स मेरे को डीसी मोटर्स की हाई एफिशिएंसी तो देती हैं विद लो मेंटेनेंस, क्योंकि इनमें जो ब्रश का कंपोनेंट जो बार बार रिप्लेसमेंट मांग रहा था वो ब्रश लेस है। तो बीएलडीसी मोटर्स फ्यूचर मोटर्स भी जिनको हम कहते हैं, सबसे फ्यूचरिस्टिक मोटर्स हैं जो आने वाले कल में सारे एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, वो बीएलडीसी मोटर्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ मोटर्स, अबाउट एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स एंड स्पेशल मोटर्स आपको क्लियर कर दिए होंगे, उनके यूज़ केसेस आपको बढ़िया समझा दिए होंगे, कम टाइम में आपको हमेशा की तरह एक हाई पावर नॉलेज दी होगी, और आप इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, और मेरे को कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे आने वाले टाइम में वीडियो देखनी है, और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने इंडस्ट्री के लोगों से शेयर करते रहिए। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।